मित्रों, मत्स्य पुराण के अनुसार तोते को घर में रखना, तोते को पालना शुभ माना गया है या फिर अशुभ। आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, अगर आपके घर के अंदर तोता है तो शुभ है, क्योंकि तोता सबसे प्रिय पक्षी होता है माता लक्ष्मी का, और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। नंबर दो, अगर तोता पिंजरे में कैद है तो समझ लीजिए आपके घर में कभी भी नए धन का आगमन नहीं होगा। जो भी काम आप शुरुआत करेंगे उसमें आपको पीड़ा भोगनी पड़ सकती है, इसलिए तोते को हमेशा अपने घर के अंदर आज़ाद रखने की कोशिश कीजिए। उसको ऐसे वातावरण में ढालिए ताकि वो आपके घर के अंदर आज़ादी से घूम सके, उसको अपने को कैद नहीं करना है। नंबर तीन, अगर आपको तोते को नियमित रूप से ओम ह्रीम क्लीम कुबेर देवताय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए अपना तुलसी पत्र उसको खिलाते हैं तो सारे काम बन जाएंगे। भूत प्रेत पिशाच दानव आपके घर के ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। जो भी काम आप करेंगे उसमें आप सफल होंगे। जो आपकी संतान प्राप्ति होने वाली है वो नियमित रूप से अच्छी होगी, मतलब कोई भी अपंग विकलांग नहीं होंगे, संतुष्ट एवं पूरी तरीके से सही संतान उत्पन्न आपकी होगी। लड़ाई झगड़े आपके दूर हो जाएंगे, कोई भी लड़ाई कलेश आपके घर के अंदर नहीं होगा। अगर ये जानकारी आपकी अच्छी लगी हो तो हमें आप लाइक कर सकते हैं।